गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम जाने वाले हैं नालागढ़ पार्क और एग ले लेता हूँ, तो चलते हैं। अभी घर में आ गया मैं अपने, तो मैंने बैग रेडी कर लिया है देख सकते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंड है और खाने खुने की चीज़ें हैं इसके अंदर कुछ, तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड शिवालिक नगर, और वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे नालागढ़। तो अभी तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, पर काफ़ी ज़्यादा धूप है और यहाँ पर गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो अभी यहाँ से जाएंगे, फिर देखेंगे कैसा है पार्क है। पार्क है काफ़ी बड़ा है, मैंने गूगल मैप से देखा तो गाइस काफ़ी नज़दीक था, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। तो चलते हैं। मैं बस स्टैंड पर पहुँच चुका हूँ और अभी मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी आने वाली है बस काफ़ी देर के बाद, और काफ़ी धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। तो अभी आने तो इसमें जाएंगे हम लोग। फाइनली बस का बैठ गया हूँ और अब बस जाने वाली है नालागढ़, तो लगभग आधा घंटा लगेगा यहाँ से जाते वक्त, और काफ़ी तो और काफ़ी मज़ा। तो यहाँ पर घूम रहा हूँ मैं अभी पहली बार बस से जा रहा हूँ ब्लॉगिंग करने, तो चलते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग और बस का भी दिखा देता हूँ। बस पूरी बस स्टैंड पर पूरी खाली है, आगे का भी दिखा, तो आगे भी काफ़ी कम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग बद्दी पहुंच चुके हैं और ये बद्दी पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से नालागढ़। तो अभी आधा घंटा और जस्ट आधा घंटा, तो अभी यहाँ बस में कोई नहीं है, बस में काफ़ी कम भीड़ है क्योंकि दोपहर का टाइम है, और ये मार्केट है थोड़ा बद्दी का जगह, तो मार्केट चल रहा है बद्दी का। और तो अभी तो हम बहुत दूर हैं वहाँ से, तो देखते हैं कैसा व्यू होता है, कैसा व्यू है, कैसा गार्डन है, नहीं सॉरी कैसा पार्क है नालागढ़ पार्क। तो गाइस अब मैं पहुँच चुका हूँ नालागढ़, और यहाँ से अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और 3 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं। और अभी हम तो जा रहे हैं इधर, जैसे इधर है रास्ता नालागढ़ पार्क का, तो जा रहे हैं। और यह है मार्केट नालागढ़ की, और अभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि दोपहर हो रहा है, तो मैंने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं अभी नालागढ़ पार्क में। तो चलते हैं, यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूर है और अभी तो जस्ट दोपहर हो रही है, और काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ भी है और मार्केट लगी हुई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नालागढ़ पार्क में, और मेरा पार्क के बाहर का नज़ारा, और काफ़ी सुंदर है पार्क देखने बाहर से। तो चलते हैं अंदर कैसा होता है पार्क। तो अंदर जा रहे हैं, और अंदर का नज़ारा काफ़ी शानदार है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। काफ़ी पहली बार आया हूँ मैं इस पार्क के अंदर, और तो मैं काफ़ी देर से आया हुआ था और बैठ गया था यहाँ पर क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था, यहाँ पर काफ़ी लोग थे इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं जल्दी।
तो फिर से मैंने काफ़ी ब्लॉगिंग देखा कई लोगों के, तो स्टार्ट फिर से मैंने कर दिया रहा है। तो ये रहा, सॉरी मैं गलत जगह पर आ गया। तो ये है, ये मेरे पीछे देख सकते हो, आई लव नालागढ़ देख सकते हो। और इसके पीछे जस्ट तालाब है, और इस साइड देखोगे तो गाइस आपको एक बुद्धा की प्रतिमा मिलेगी। और तो चलते हैं आगे, और इसके अंदर मछलियाँ भी हैं तालाब के अंदर, तो इधर से एंट्री होते हैं। तो बैक तो गाइस ये देख सकते हो सामने बुद्धा की प्रतिमा, और यहाँ से तालाब स्टार्ट होता है। तो ये है तालाब, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर बोटिंग करने को तो ये 40 रुपये है पर 20 मिनट 40 रुपये। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आगे, तो थोड़ा चलते हैं आगे घूम के आते हैं। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और पेड़ पौधे काफ़ी अच्छा पार्क है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी यहाँ पर लोग बच्चे, काफ़ी लोग स्टूडेंट हैं जो सरकार गवर्नमेंट कॉलेज से आए हैं। तो और जा रहे हैं हम लोग पार्क की ओर, तो वहाँ पर देख सकते हो गाइस तो बत्तखें हैं, तालाब है तो साइड में बत्तखें भी होंगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको बत्तख, और ये रहा, यहाँ से भी आप तालाब के पास जा सकते हो ऊपर, तालाब यहाँ से भी जाके आप फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो इस साइड। और ये रहा तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है। तो चलते हैं आपको बत्तख दिखाते हैं। तो ये रिका बत्तख, और मैं इनके बीचों में से जा रहा हूँ, डर लग रहा है मुझे, देख सकते हो गाइस। और ये है तालाब है, और तो चलते हैं आगे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और वहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट सा है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। सॉरी नो पेट्स अलाउड, तो इसके अंदर गए कुत्ते लाना मना है, कुत्ते उत्ते पालतू जानवर, तो कभी भी इस पार्क में आए तो कुत्ते उत्ते ना ले गए। थोड़ी सी ठंडा इलाका है, और देख सकते हो ये पीछे फिर पेड़ है ना, तो इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ी धूप कम है, लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, और काफ़ी गर्मी आ गई है ना इस चक्कर में। तो यहाँ पर ना गाइस आप मछलियाँ हैं इस तालाब के अंदर, तो आप मछलियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मना है सख्त कि यहाँ पर मतलब तालाब के अंदर कुछ डालना नहीं है। तो मैं एक राउंड लगा देता हूँ तालाब का, और फिर चलते हैं थोड़ा आगे, पूरा व्यू दिखाता हूँ गाइस अच्छे तरीके से। काफ़ी लोग आए हैं, और यह है तालाब जस्ट, और यहाँ पर डॉग सो भी रहा है। तो चलते हैं आगे फिर, इसका तो राउंड मार लिया तालाब का मैंने, तो अब आगे चलते क्या है। तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा बोटिंग कर लेता हूँ, तो पर 40 रुपये ए 20 मिनट के लिए 40 रुपये, और बोट दिखाता हूँ मैं आपको। चलो पीछे है ये बोट, और इसके ऊपर सवारी का है 20 मिनट के लिए 40 रुपये। और अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, गाइस मेरे पीछे बुद्ध भगवान की मूर्ति, और काफ़ी शांति की प्रतीक होती है इनकी मूर्ति, आपको पता हो तो गाइस मैं बता दूँ शांति की प्रतीक होती है बुद्धा की मूर्ति। तो चलते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पर जवान जो शहीद हुए उनके लिए भी बनाया गया स्मारक है। तो आओ मैं आपको वहाँ का विजिट करा के लेके आता हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा है, तो प्रतिमा है काफ़ी सुंदर गोल्डन कलर की, और यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा काफ़ी सुंदर व्यू, और ये इंडिया गेट की तस्वीर बना रखी है। तो और आर्मी के देख सकते हो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ है स्टेज, अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे तो बीच में कर सकता है, देख सकते हो। और ये व्यू आ रहा है, चढ़ के देखते कैसा ऊपर से नज़ारा दिखता है, काफ़ी ऊपर है। चलते हैं थोड़ा मज़े लेते आए हैं, तो और देखते व्यू कैसा आता है यहाँ, कैसा नज़ारा दिखता है।
और का धूप लग रही है, इतनी तेज़ धूप लग रही है बता नहीं सकता हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो और ये चढ़ गया मैं ऊपर, यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह देख सकते हो, गार्डन का नहीं सॉरी पार्क का, और नज़ारा काफ़ी शानदार है। मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाइस, तो काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है। तो ये देख सकते हो ये है, ऐसी है टाइलें लगी हैं, घास और टाइलें, और फिर उधर घास ही घास लगी है। कुआ, तो कुआ दिखाता हूँ, तो काफ़ी पुराना लगता है मेरे को ये कुआ, पुराने ज़माने का, क्योंकि काफ़ी पुराने ज़माने में ही कुएँ का यूज करते थे ओबियसली। तो सॉरी कुआ बंद है, मैं चाहे कुएँ में कुछ दिखाऊंगा तो गाइस कुआ बंद है। तो और चलते हैं इधर से थोड़ा गाइस, पार्क के अंदर आपको रियल टाइगर तो नहीं पर टाइगर की पेंटिंग आपको जरूर दिख जाएगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ पेंटिंग, ये रही गाइस, और टाइगर छुपा हुआ पेड़ों के बीच में। तो घर गाइस, यहाँ से 4:30 हो चुका है, तो अब जा रहे हैं हम लोग घर, हम लोग नहीं मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं घर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें गाइस, मिलते हैं अब आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।